आज की वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जो कि मध्य प्रदेश की सरकार की एक बहुउद्देशीय योजना है। इसमें जो वंचित महिलाएं, जो बहनें रह गई जिन्होंने अपने फॉर्म नहीं भर पाए, प्रथम चरण द्वितीय चरण में अपने फॉर्म भरने से रह गई, वो फॉर्म अपने कैसे भरेंगे उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर cmladlibehna.mp.gov.in इस वेबसाइट से आप देख सकते हैं अपने अगर पहले आवेदन कर दिया है और उसका स्थिति है उसको यहाँ से कैसे चेक कर सकते हैं। अगर भुगतान की स्थिति है उसके लिए आप यहाँ से उसका भुगतान की स्थिति यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं बताऊँ आपको यहाँ से आवेदन या भुगतान की स्थिति कैसे चेक करेंगे ऑनलाइन। तो आप देख सकते हैं लाडली बहना आवेदन क्रमांक, सदस्य क्रमांक जो भी है वो यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड ये फिल करें। उसके बाद यहाँ पर OTP भेजें, तो OTP जो भी अपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के समय दिया है उससे OTP आएगा और उस OTP यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद OJP पे क्लिक करेंगे, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कितने पैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं, कौन कौन सी किस्त आपके आ चुकी है। तो बात हम करते हैं जो नए आवेदन हैं जो कब से भरेंगे और कैसे भरेंगे उसके बारे में बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर आएंगे जो नए आवेदन के लिए जो फॉर्म रहेगा उसमें क्या क्या आपको ज़रूरी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे। आपके पास समग्र ID होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर लगेगा और उसके बाद आपका आपका जो समग्र से EKYC आपका जरूरी है। आधार से EKYC आप कराएं अपने समग्र में। उसके बाद आपका एक बैंकिंग अकाउंट होना चाहिए और उस बैंकिंग अकाउंट में आपका DBT एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप उन्हें पंचायत में आपके जो भी सचिव रोजगार सहायक हैं उनके द्वारा आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन पहले की तरह जो भी आपके जहाँ से भराए जा रहे थे वहीं से आवेदन फिर से भराएंगे और ये 1 सितंबर से आपके आवेदन भराना चालू हो जाएंगे। और उसके बाद जो भी वंचित महिला रह गई हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और इसी तरह की और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा